हेलो दोस्तों, तो आज से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन। अभी पहले वो चेंज कर ले। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए, क्योंकि पहले हम लोग मंदिर जाएंगे और उसके बाद कुछ कुछ और भी प्रोग्राम है। तो मुझे भी अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि मंदिर में क्या होगा। पंडित जी ने ही बताया जो भी होगा, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसलिए मैं अभी नहीं बता सकती आपको। बहुत गर्मी है, लेकिन ये नाई की ड्रेस दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक छोटी सी कैप्री है, कैप्री है, ये जीन्स है, जीन्स है, जीन्स कैप्री है ये। उस पर एक ब्लू कलर का डेनिम लुक पर एक टॉप है। तो इनाया की ये शॉपिंग है और इनाया ने अपने कपड़े चेंज करके निकर और टी शर्ट बदले हैं, वो भी इनाया ने न्यू ही लिए थे अभी। तो बच्चों के बहुत सारे कपड़े लिए हैं, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम के लिए अलग अलग लिए हैं इसे। तो फिलहाल चलते अभी। यहाँ पर है ईशानी और ईशानी के पीछे रखा है एक वन बर्नर वाला चूल्हा। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी किचन की कंडीशन क्या हो रही है। ये देखिए पूरा भरा हुआ है। ये है आंटी जो इन 5 दिनों में सारा काम संभालेंगी। इनके साथ और भी एक दो इनकी हेल्पर हैं। और अब हम चलते हैं मंदिर। तो हम आ गए हैं मंदिर। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं। ये कई तरह के संस्कार प्रोग्राम हैं, यानी मंदिर स्थापना से रिलेटेड। तो यहाँ पर बहुत सारे भगवान जी हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा गेहूँ रखा हुआ है। तो इस टाइम जो भगवान जी की मूर्ति है उनकी पूजा चल रही है और उनको अभी अन्न में प्रवेश कराया गया है। उसी के साथ हम सारे लोग आ गए तैयार होके। यहाँ पर मैं मिल बात में दिखाती हूँ अपनी बुआ जी से। ये है मेरी बुआ जी। और छुटकू इनाया बहुत शैतानी कर रही है इस टाइम, इसको बहुत मजे आ रहे हैं। तो पूजा प्रारंभ हो चुकी है और अलग अलग दिन अलग अलग पूजा या जो भी प्रोग्राम है वो होंगे। पहले अन्न में प्रवेश कराया जाएगा, फिर जल में प्रवेश कराया जाएगा और उसके बाद फेरी निकलेगी। उसके बाद कुछ और प्रोग्राम्स होंगे, भंडारा होगा। तो मैं आपको वन बाई वन करके सारे दिखाऊंगी। ये देखिए पूजा अभी पूर्ण हुई है, तो आगे का कार्यक्रम चालू है। अभी कुछ छड़ के लिए केवल भगवान के दर्शन कराए जाएंगे और उसके बाद फिर से उनको अन्न में प्रवेश कराया जाएगा। ये सारा जो कार्यक्रम है, यानी ये पूरा प्रोसेस, ये मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। ऐसा कभी मौका नहीं मिला मुझे कि मैं ये सब देख सकूं। तो दोस्तों, अभी आप देख ही सकते हैं कि जैसा कि फंक्शन का घर है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं पीछे से। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं फिर से प्रोग्राम के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ आज और भी रस्में हैं। तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे और उसके बाद शायद लेट हो जाएगा, बीच में लंच करने आएंगे और फिर हमें दोबारा जाना है। तो सीधे हमें इवनिंग पे ही उसके बाद होगा शायद। तो पहले चलते। बस मैंने फिर से एक लॉन्ग गाउन लिया है और इसके साथ मैं ये कभी दुपट्टा लूँगी गोल्डन कलर का, थोड़ा वो ट्रेडिशनल लुक देने के लिए और थोड़ा डिफरेंट लगने के लिए। तो इसके साथ अच्छा लगता है ये मुझे। तो फिर उसके बाद बस हम निकल रहे हैं। तो सेकंड डे की ड्रेस मेरी और इनाया की काफ़ी हद तक सिमिलर है। ये देखिए ब्लैक और वाइट। इनाया बहुत मस्ती के मूड में है और ऐसे ही मस्ती। पूजा पाठ के बाद शाम का टाइम हो गया, सब लोग बहुत ही मस्ती के मूड में आ गए हैं फिर से। और यहाँ की ये क्या डाल रहे हैं? ये मिश्रा अंगूर की बनी हुई
बनाई है, ये नेहा का तो ये मेरे बोलने की स्टाइल का थोड़ा सा कि देखिए नेहाज किचन बोल रहे बार बार कि नेहाज किचन स्पेशल रेसिपी है, मैं इस तरह से बोलती हूँ नेहाज किचन पर। देखिए लोग बहुत ही मस्ती के मूड में हैं अभी, और इसमें हमने अभी मिश्रामू डाला है, ड्राई फ्रूट्स डाली है, तो फिलहाल हो रहा है शाम का टाइम और सभी लोग एक साथ मिलकर इतने टाइम बाद सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, गेम खेलेंगे, कुछ कुछ मस्ती चलेगी, कुछ डांस होगा, बहुत ही अच्छा माहौल है। साथ ही साथ चाट पकौड़ी का भी प्रोग्राम है, सारे लोग मिलकर अभी खेलेंगे गेम। तो बच्चे और बड़े सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं सब मस्ती के मूड में एकदम, और आज का अभी मैं खत्म करती हूँ। तो ये है मेरा फाइनली लुक, ये है इस टाइम प्रोग्राम के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, और ये है मेरी ड्रेस, फुल गाउन है डबल शेड में गोटा वर्क के साथ, और इट्स लुकिंग सो नाइस। और ये स्पेशली मुझे येलो कलर की चाहिए था तो उसके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है। तो अभी मैं थोड़ा सा लेट भी हो रही हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी निकलना है, जैसे कि पता है प्रोग्राम के घर में आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। और मेरे साथ आज कोई है नहीं जो मेरी हेल्प कर सके, तो दूर से थोड़ा सा मुश्किल है दिखाना, आई होप आपको समझ में आई होगी किस टाइप की है ये। तो चलो ठीक है, ये देखिए हम तीनों ने सेम ड्रेस पहना हुआ है और अभी निकलना स्टार्ट किया है फेरी, जिससे आज दिखाते हुए फाइनली अब प्रोग्राम फिनिश होने की तरफ आ गया है, यानी समापन दिन आ गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने आज फिर से कुछ रेड डाला है, मैंने इस पूरे प्रोग्राम के दौरान पीला लाल ऐसे कलर के कपड़े पहने हैं, क्योंकि थोड़ा सा होता है कि घर में फंक्शन होते हैं आप ब्राइट कलर के कपड़े पहनते हो बहुत ही अच्छे लगते हैं वो देखने में, और आपको भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो आज है समापन का दिन और हम लोग अभी फिर से निकलेंगे मंदिर के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ पूजा पाठ होगा और उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। रामायण बैठी थी 2 दिन के लिए, यानी 36 घंटे की रामायण थी, उसके बाद है ये। और आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो गई है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन जब भी फंक्शन होता है तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारे रूम की कंडीशन में आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सोफा और रूम भी काफ़ी मैसी सा हो तो गया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सब क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अभी तो हम चलते हैं यहाँ से, बस कपड़े उठाते हैं और एक जगह डाल देते हैं, यानी इस टाइम पे मुझे लगता है सबसे अच्छा होता है यूज़ करना एक इस तरह का लॉन्ड्री बैग, जिसमें आप अच्छे से भर सकते हैं अपना काफ़ी सारा सामान, और फिर जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो आप इजीली क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम के दिनों में अपना रूम क्लीन करना बहुत ही आसान होता है। अभी चलते हैं, बस रामायण की समाप्ति होने वाली है और साथ आज रात का प्रोग्राम एंड इनका है। तो फाइनली मैं मंदिर से वापस आ गई हूँ और प्रसाद पूजा हो चुका है, सभी काम हो गए हैं और इसके साथ रात भी हो गई है। गुड नाइट, और ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा है